right now, and I would like to thank Bazooka Media and my manager and my family for this. And let's see abhi kaise hota hai andar. Okay, like they didn't announce it yet, so we have to wait for that. Once we get inside, we will get to know. Okay, yes, thank you. Pardon, sorry, baba, kya bole? Before she replies, I'll just give you a small thing. ये ट्रिपल आई ए, दिस इज द फिफ्थ सीजन ऑफ ट्रिपल आई ए इंडिया इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स. ये पांचवा साल है, पांचवा एडिशन हो रहा है. और रिमी जी इज नॉट ओनली अवर अवार्डी, शी इज अवर सेलिब्रिटी गेस्ट फॉर द डे. सो मोर आई विल जस्ट पास ऑन टू शी, विल टॉक मोर अबाउट द इवेंट. टुडे वी ऑल आर हियर, गुड इवनिंग एवरीवन. टुडे वी ऑल आर हियर फॉर दिस अवार्ड फंक्शन ट्रिपल आई ए. एंड वेन एवर कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, क्योंकि नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और नए अचीवमेंट्स को सम्मान देने का मौका मिलता है. तो इट्स लाइक अ ग्रेट थिंग फॉर मी. सो वेन एवर आई गो एनी वेयर, आई मीट न्यू पीपल एंड आई फील वेरी गुड. सो टुडे आई मेट कुणाल एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम.
एंड मे बी हम लोग आगे भी बहुत सारा काम करेंगे एक साथ, बहुत सारे इवेंट्स करेंगे, बहुत सारे लोगों को ऐसा सम्मान देते रहेंगे और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे. एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो आगे और अच्छा काम करें और ज़्यादा उनका फ्यूचर अच्छा बनाने की कोशिश करें. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. एज ए जैसे मैडम ने बताया ट्रिपल आई ए एंड मोर अबाउट अवार्ड्स इज लाइक ऐसी चीज़ है कि लोग जब हम किसी को हॉनर करते हैं या कोई सम्मानित होता है तो उसका एक अपने दिल से ऐसा होता है कि नहीं इसके लिए मुझे और अच्छा काम करना है, आगे और अच्छा करना है, एक मोटिवेशन मिलता है और लोग और अच्छा अपने चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. और हम कोशिश करते हैं जिनको इस बार अवार्ड मिल रहा है उनको तो बेस्ट विशेज है ही, जो लोग नॉमिनेट होके मिस कर चुके हैं हम विश करते हैं कि वो अगली बार ज़रूर नॉमिनेट हो और विन करें. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. कोमल बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज हर साल वो ट्रिपल आई अवार्ड्स करते हैं और हमको इंस्पिरेशन मिलती है कुछ अच्छा काम करने की और हम लोग लोगों से जुड़े रहते हैं और इंस्पायर होते हैं कि अवार्ड्स मिलते रहे और लोगों के दिल में जगह बनाते रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं बहुत खुश हूँ मुझे इनवाइट किया गया है एंड होपफुली आई गेट सम अवार्ड. एंड आप लोग एवरीबडी इज कम हियर. आई डोंट नो, लेट्स सी, आई एम नॉमिनेटेड, मुझे नॉमिनेट किया गया है तो होपफुली आई गेट अवार्ड. कुणाल ठक्कर और उसकी पूरी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. उसको मोटिवेट करने यहाँ पर मैं आया हूँ. मेरे साथ में प्रसिद्ध उद्योगपति खुद्दार जी यहाँ पर है, कोठारी जी यहाँ पर है और हम दोनों भी उनको प्रोत्साहित करने आए हैं. कोठारी जी, कुणाल जी ने आज जो आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और अच्छी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया है और मेरे भाई अभिजीत राणे साहब उनका ऊपर बहुत बड़ा वरदस्त है और सदैव उनके प्रोग्रामों में उनको प्रोत्साहन देने के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं. यानी इवन टोक्यो जब प्रोग्राम हुआ तब भी राणे जी साथ में ही थे. तो मैं उनका राणे जी का और कुणाल जी का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से आज मेरे को ये कार्यक्रम में आने का मौका मिला. थैंक यू. To see you all always. Good to see you all also always. You know, ये award मुझे बहुत अच्छा लगता है. I think influencers को reward करना, उनके काम को validate करना बहुत ज़रूरी होता है. And I think ना photographers में से भी आप लोग भी बहुत बड़े influencers हो, तो next time आपकी भी category होनी चाहिए. बट कैसी लगी आप लोग को चंदू चैंपियन? यू नो, मुरलीकांत पेटकर जी की ऊपर फिल्म है, उनकी लाइफ बोलना बहुत ज़रूरी था. आई थिंक आफ्टर पोस्ट कोविड ऑल्सो ना हम कहीं सहम गए हैं, अभी तक खुले नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स. अभी भी हमको चाहिए कि जोश हो कि ठीक है हम गिरते हैं लाइफ में, हम पढ़ते हैं, हालात बुरे होते हैं, बट कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो और फिर जीत उसी की होती है जो इंसान मेहनत करता है. तो आई थिंक आप लोग को वो मैसेज मिला चंदू चैंपियन से. वी गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. साजिद वॉज अप्रिशिएटेड फॉर ब्रेकिंग द स्टोरी. कार्तिक ऑफ कोर्स वाज अप्रिशिएटेड फॉर हिज परफॉर्मेंस बिग टाइम. कबीर डिड अ गुड जॉब. द होल टीम पूरा दिलो जान से अच्छी नीयत के साथ के लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले. आई थिंक कुणाल इज अ वेरी, कुणाल ठक्कर बहुत मेहनती इंसान है एंड मैंने देखा है उनका ग्रोथ. मैंने देखा है कुणाल ठक्कर का ग्रोथ. ही इज़ वेरी गुड. हर चीज़ बहुत पैशनेटली करते हैं, फुल पैशन से करते हैं. एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. He's growing every year and I'm sure very soon na it's going to be number one award night and sab tadenge tadpenge aur marenge ye show aane ke liye. MD in homeopathy and working as critical and surgical disease specialist as a modern homeopath. Dosto aap logo ne jo India influencer 2024 international jo award ke liye jo hame bulaya nominate kiya, to main apne bare mein kuch batana chahunga ki homeopathy se super specialty jo concept hai, jo ek naya research hai WHO ko, hum jo data 3000 se jo zyada jo cured patients ka data hai jo submit karne ja rahe hain,
कि एक तरीके से नया रिसर्च जिसे हम नाम दे रहे हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, और जो डेटा है कहीं ना कहीं लोगों के लिए जान बचाने में मदद करेगा और लोगों को एक नया विश्वास दिलाएगा कि होम्योपैथी को हम फास्टेस्ट ट्रीटमेंट के रूप में, रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड सिस्टम के रूप में जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपका जो योगदान है कि आपने मीडिया के थ्रू हमें जो मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखने का, उसके लिए मैं वंस अगेन आप सभी स्पॉन्सर्स को और आप सभी सहयोगी को धन्यवाद कहना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा दोस्तों कि हमारी जो रिसर्च है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू WHO तक पहुँचे, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिलेगा और भारत का नाम भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन फ्रॉम इंदौर, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, नमस्कार। These awards are always special और Kunal is a very good friend और हमेशा उसके awards बहुत अच्छे होते हैं। I want to congratulate him for another year of such nice awards, successful awards, and I'm looking forward. I am nominated, so fingers crossed. I hope I get an award tonight. और हाँ, जाकर अंदर अपने friends से मिलूँगी। It's always nice to dress up beautifully and look nice. जी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, एंड क्योंकि उस शो में बहुत ज़्यादा इंडियन लुक है मेरा, तो इसके लिए अवार्ड्स इज लाइक अ चेंज ताकि मेरी ऑडियंस को दोनों मेरे रूप देखने को मिले। बहुत प्यारा कैरेक्टर है, आई होप कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा हो मेरा वो कैरेक्टर, और प्लीज़ देखते रहिए मेरा शो ताकि मैं बहुत सारे अवार्ड्स जीतती रहूँ। थैंक यू। स्पिरिचुअल हीलर। बहुत ही अच्छा इवेंट है, यहाँ पे इतने अच्छे डिफरेंट प्रोफाइल्स के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेकर आ रहे हैं, एंड बहुत इन्फ्लुएंसर की एक ड्यूटी है राइट अवेयरनेस क्रिएट करना। सो आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू। ओके, कैसे हैं आप सब? नमस्कार। एक्टर, प्रोड्यूसर, ओके, दिस सेंटर। ओके, एज एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर मुझे अवार्ड मिला है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कुनाल का, IIIA का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतना प्यार दिया और इतने अच्छे से मुझे यू नो दे गिव मी अ प्राइड मोमेंट। थैंक यू। कुनाल, ऐसे ही अवार्ड करते रहो। मैं आपको प्रॉबेबली 2013 से जानती हूँ और आपने हर अवार्ड्स फंक्शंस में मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अवार्ड करते रहिए, नाम रोशन करते रहिए, आर्टिस्ट लोगों को तराशते रहिए और हम सबको अवार्ड देते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछली बार का मैं मिस कर दिया था क्योंकि आई वॉज इन दुबई दैट टाइम, और इस बार मैंने सोचा कि इस बार मैं मिस नहीं करूँगा। कुनाल भाई का स्पेशल मुझे मैसेज आया कि इस बार मिस नहीं करना है, तो या आई एम हियर। यार, इम्पोर्टेंट अवार्ड्स नहीं होते मुझे लगता है। मुझे लगता है जब आप लोगों का प्यार मिलता है और जब हमारे काम को प्यार मिलता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। अवार्ड एक निशानी होती है। जैसे आज मेरा एक गाना था जीने की तमन्ना, जो अभी भी काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, वायरल चल रहा है, उस पर रील्स भी 1.1-1.2 मिलियन रील्स बन चुकी हैं। तो उसी गाने के लिए मुझे उन्होंने स्पेशल बुलाया था कि आपका गाना काफ़ी वायरल हुआ, हिट हुआ है, तो हम चाहेंगे उस गाने के लिए आपको एक अवार्ड दें। तो या हम यार, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। इट्स एन अमेजिंग अवार्ड्स दैट एक्नॉलेजेस ऑल ऑफ आवर arts and crafts. So I'm really happy to be here tonight and I'm really excited to see the nominees and everybody who's going to be here celebrating this award. Ma'am, aapko tumhare sath sab gana hai aapke sath to kaafi saari pyar mila, kya bolna chahte hain? First of all, thank you so much for all your love and appreciation. I am very very grateful and thankful for it. We've crossed like about 10 million views. So really thank you for all that love and I hope that you do continue to give us this love and there will be more Hindi songs coming for you guys, so I hope you guys like that too. Tanha sa main yahan khud se main kyun la pata
भीगे से है कुछ अरमा, दिखता ना कोई निशा यहाँ। थैंक यू। जी The award show, I'm very excited and happy to be here. You know, just looking forward for the event, and it's a great platform for, you know, where they're acknowledging all our arts and crafts. So yeah, just really excited to be here. Thank you. क्या बोला जाता है? It's fabulous actually. It's my first experience with Kunal Thakkar ji, and I used to go in events. I'm an artist and model. I have done many serial with Balaji Pavitra Bandhan. Ye hai Mohabbate character role, Crime Patrol, in some movies, Calendar Girl. Many movies I've done, South movie, Punjabi movie. So I'm an artist and model. I used to do modeling. Thank you. It's a wonderful opportunity to get to celebrate the actors and influences of the industry, so it's good to be here. If you ask me personally, I don't know the importance of it. For me personally, it doesn't really matter too much. But yes, I mean, if it is an acknowledgement among people, among the industry people and on social media, that's what makes it relevant enough. But I think one should keep working without desiring any kind of award or reward, so to say. Thank you यार स्पिचला के बाद काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो. दुबई से सीधा आई हूँ अभी फ्लाइट लेके, एंड आई वुड लव टू डू बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, मे बी बालाजी के साथ काम करना है. आई वॉन्ट वर्क इन मूवीज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई थिंक इट्स रियली सैड बिकॉज सोशल मीडिया पे अगर आप देखो तो वुमेन को ज़्यादा इजी है टारगेट करना, एंड आई फील रियली बैड फॉर हर, बट शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड आई नो शी विल राइज़ फ्रॉम दैट. शी इज़ रियली स्ट्रॉन्ग. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज शी वॉज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप. शी स्टिल इज. वी मीट, वी टॉक. आई एम रियली हैप्पी विद जशवन एंड आकृति'ज विन. दे टोटली डिजर्व इट. अवार्ड शो के बारे में बोला मैंने, बहुत अच्छे अवार्ड्स है, क्रेजी. थैंक यू सो मच. Negative actor of Indian television, and I really want to thank the sponsors for this award, and thank you so much for appreciating the look. I actually worked hard for this. बहुत सारी मेहनत के बाद I finally decided कि मुझे क्या पहनना है. Currently तो कुंडली भाग्य चल रहा है. कुंडली भाग्य के बाद definitely एक web series की बात चल रही है, तो maybe soon you'll see me on OTT. मैं आज के ऑर्गेनाइजर्स के बारे में यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच. आप लोग ये जो अवार्ड्स हमारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्चुअली दिस इज़ आर अप्रिसिएशन, और इसी के थ्रू हमें पता लगता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं. सो आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल. थैंक यू. फंक्शंस में आके आप काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, वी सेलिब्रेट ईच अदर, तो एक ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत अच्छा लगता है. अब वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी. सभी को अपने अपने चैलेंज के लिए अवार्ड मिले, और मे द बेस्ट पर्सन विन द अवार्ड. रूटिंग फॉर अदिति बिकॉज वी हैव अ कॉमन लिंक. हम लोग इससे पहले भी जी के शो में ऑलमोस्ट ऊपर नीचे वाले शो में थे, लाइक टाइम स्लॉट वाइज, एंड नाउ इट्स रब से है दुआ जिसका कनेक्शन है. अदिति वॉज अ पार्ट ऑफ रब से दुआ. आई एम अ पार्ट ऑफ रब से दुआ. तो या दैट इज़ द कॉमन कनेक्शन एंड आई वॉज रूटिंग फॉर हर. Big question every time is big boss. फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा रब से है दुआ में, दुआ करने में बिजी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है अभी. अच्छा जी, ऐसा है क्या? आपसे पता
कैसा चल रहा है, मुझे तो ये पूछना पड़ेगा मुझे उससे कल शूट पे, मैं बात करती हूँ ज़रा। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो कि बिग बॉस मटीरियल क्या होता है, बट अबाउट हिम ही इज लाइक अ किड। मतलब ऑन द सेट वी हैव सो मैनी किड्स, हमारे शो में सब लोग बच्चे ही हैं, रेमन मैम से लेके आम्र मैम, एवरीबडी इज अ किड। तो धीरज इज ऑल्सो लाइक दैट, बहुत मस्तीखोर है और मतलब अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक फन विल बी फन वेर एवर। वो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जब इबादत को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती है, तो क्योंकि इबादत से ऐसे दिल जुड़ गया है, तो इबादत को प्यार मिलता है तो मैं अपने आप ऐसे डबल खुशी में आ जाती हूँ कि ये शायद हैप्पी इबादत हैप्पी ऑल ऑफ अस आर हैप्पी। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत अच्छी हूँ। ट्रेडिशन है लेकिन ये मेरा पहला है, इसलिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रही हूँ आज यहाँ आज यहाँ आके। सो थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू IIA। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फॉर अ लवली इवनिंग एंड आई एम ड्रेस्ड अप एंड आई एम मीटिंग यू ऑल, आई एम वेरी हैप्पी। मैम जो आपको अवार्ड मिल रहा है, क्या अवार्ड तो अभी जाके देखेंगे। सच? थैंक यू। वैसे आप लोगों ने कवर किया है, अच्छा तो लगेगा ही, और इतने अच्छे से मैम बना रही है, डेफिनेटली लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। डायन को सब पसंद करते हैं। मैम तो मेरी मतलब मैं उनकी फेवरेट हूँ और वो मेरी फेवरेट है, उन्होंने मुझे सब कुछ मतलब बनाया है लिटरली। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे फिर से याद किया और हमेशा मैं करती रहूँगी। थैंक यू। जब तक लोगों को मैं बहुत पसंद आऊँगी तब तक करती रहूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं एंड सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू। इंग्लिश हिंदी हिंदी ओके। वैसे मैं क्या बताऊं कि हर इतने मुझे अवार्ड मिले हैं, बचपन से मुझे अवार्ड मिल रहे हैं और अभी भी इतने सारे अवार्ड मिल रहे हैं, पर हर अवार्ड स्पेशल होता है क्योंकि हर अवार्ड ये बताता है कि आपको लोगों ने पहचाना है, आपके काम की प्रशंसा हुई है, राइट? इसलिए हर अवार्ड इम्पोर्टेंट। और ये भी मैम जैसे आपको काशी का सदाबहार हर गाना भी बढ़ता रहता है, तो कैसे लगता है भी बढ़ता काशी? ओह माय गॉड, क्या मैं क्या व्याख्या क्या कर सकती हूँ, मुझे कैसा लगा, आपको कैसा लगेगा? अमेजिंग अमेजिंग लगता है, अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होता है कि ऐसी पिक्चर में मैंने काम किया था। हाँ तो अब आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा, कोई आने वाला प्रोजेक्ट जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा। बिग बॉस नो, बिकॉज आई डोंट वॉच बिग बॉस। मिला मुझे मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऑफ द ईयर, और ये साल की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई फ्रॉम आर्टिकल 370, देन दो दिन पहले वेडिंग स्टोरी गॉट रिलीज, और द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग आई एम रियली वेरी हैप्पी। सो मैं आवाम का शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई टुडे आई हैव गॉट एन अवार्ड फॉर द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर। के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मुझे डिस्काउंट प्राइस में मिला अभी वो मैं लेकर आया हूँ, और बाकी कोई स्पेशल खास बात नहीं है। बाकी ये चश्मा लगा देते हैं तो थोड़ा सा अक्षय सर जैसा दिखते हैं, वो तो ग्रेट है, हम कोशिश करते हैं उनके जैसा लगने की। मुझे लगता है कि अक्षय सर ने 30-35 साल में जो काम किया है, जितनी फिल्में उन्होंने हमें दी है, तो अभी जो भी वो कर रहे हैं वो बोनस है, और
ईश्वर करे उनकी फिल्म जो अगली फिल्म में आए वो हिट हो। शो में अभी हमने परसों हनी सिंह पाजी के साथ में किया, बहुत कमाल का एपिसोड हुआ और वो अभी इस फ्राइडे को वो आने वाला है और आप अभी तक जितने भी एपिसोड्स हमने किए हैं वो सबसे बेस्ट अभी हनी सिंह के साथ में है जो हमने किया। वो बिग बॉस जाने का बिल्कुल इरादा है लेकिन मेरा एक मीटिंग भी हुआ था उनके साथ तो गलत बात ये हो गई कि उन्होंने पहले मुझसे सारे सवाल पूछे, फिर उन्होंने पूछा कि आपको हमारा शो कैसे लगता है। मैंने कहा एक्चुअली कभी कभी आप लोग ज़्यादा कर देते हो, जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती है वो भी घुसा देते हो, उनको बुरा लग गया थोड़ा, पर ज़रूरत जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। जिंदगी में चार चीज़ों की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ। थाईलैंड दुबई मिसेस इनियस मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया कल्चर ऑफ इंडिया द फेम ऑफ इंडिया ताज जिंकलेला आहे आणि थाईलैंडला मी मिस वर्ल्ड विनर झालेली आहे। तसेच मी अमरावती संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ विद्यार्थिनी हूँ। चल थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है फॉर कॉमेडी, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी रोल। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन माय कैरेक्टर फॉर विच आई एम विनिंग दिस अवार्ड एंड सो इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई जस्ट वांट टू से कि आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच। मुझे अवार्ड मिल रहा है फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी रोल फॉर माय कैरेक्टर श्रेया इन एक्समिट्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड वर्क टू प्रिपेयर फॉर द रोल इन द कैरेक्टर सो गेटिंग दिस एक्नॉलेजमेंट मीन्स द वर्ल्ड। थैंक यू। विद विशाल मिश्रा तेरी हो गई यहाँ ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल 3 का जो हम मैं और पारस छाबरा कर रही हूँ उसके लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। आप सब लोग देखना और गाने को, ऑलरेडी गाना इज हिट बिकॉज ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल का सॉन्ग है, उसको और अच्छा बनाना, हमारा वीडियो को अप्रिशिएट करना। 10 सितंबर रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम ऑल्ट एंड मेरे साथ पारस छाबरा है को एक्टर। सो मुझे लक देना कि गाना ब्लॉकबस्टर जाए, इसके लिए अवार्ड मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम बंगाली, दिस इज़ माई 10th हिंदी सॉन्ग तो मुझे अच्छा लग रहा है हिंदी में काम करके। थैंक यू। मेरा जो म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है उसके लिए मिला है और 10th को मेरा और एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो रहा है जो मैंने अभी बोला तेरी हो गई या, तो ज़रूर आप लोग देखना और उसको अप्रिशिएट करना। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम है जब मैं कोई अवार्ड प्रॉब्ली मतलब रिसीव करने आ रहा हूँ, पहले मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया था बट आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते क्या होता है। नहीं मैंने नॉमिनेशन देखा था, उसमें बस नॉमिनेशन का नाम आया था, मैंने पूरा उसमें टाइटल नहीं देखा। मेरे को भी आप लोगों से ही सुनने में आ रहा है कि नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये मुझे जब वहाँ से कन्फर्मेशन आएगी तब पता लगेगा, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है। कौन सा गेट टुगेदर? वो 1.5 महीने पुराना था तो वहाँ पे एक ही हम शो करने गए हुए थे, एक ही जगह में थे, दैट्स ऑल, बाकी कोई बातचीत वगैरह नहीं हुई हमारी। नहीं फ्रेंडशिप जोन तो नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुश होगी, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मैं इस बारे में पहले ही बोल चुका हूँ, काफ़ी बार पहले भी अपने फैन से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि हेट वगैरह मत दो, शो हो गया, ख़त्म हो चुका है, अब लाइफ आगे बढ़ रही है, आगे वाली चीज़ों पर हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ एक म्यूज़िक वीडियो मैंने शूट कर रखी है, बाकी और कुछ चीज़ों पे बातचीत चल रही है। उन्नति के साथ बढ़िया है, हम लोग चले अभी कल में चंडीगढ़ से, या हम लोग साथ थे एंड एंजॉयड, बढ़िया। थैंक यू।
भाई नज़दीक में है तो तारीफ तो करनी पड़ेगी नहीं और ऐसा लगता है बट एक्चुअली नहीं होते तो भी मैं तारीफ ही करता हूँ थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा शो है ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात है क्योंकि क्या होता है जब सेलिब्रिटीज आते हैं एक्टर्स आते हैं तो जिस तरह का एक जमावड़ा जब ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है कोई भी फंक्शन अब कितनी भी सिक्योरिटी कर दो कितना भी वो होमवर्क कर लो लेकिन एंड ऑफ द डे टू पुल दिस ऑफ इज वन वेरी बिग फीट तो अभी तो आई थिंक सो ही स्टिल गोइंग अवार्ड फंक्शन तो अभी भी चल ही रहा है तो कहीं ना कहीं हैट्स ऑफ टू हिम उन्होंने काफ़ी शोज किए हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो बोलता ही है बट यू नेवर नो कब क्या होता है कि 5 मिनट में जो 50 मेन सेलिब्रिटीज है वो 5 मिनट में आ जाते हैं तो आप किस तरह से वो 5 मिनट में हैंडल करोगे ट्रिपल आई ए आप लोगों के साथ से सर जैसे हमारे वेल विशर्स और इनकी ब्लेसिंग से वी हैव दिस इज द 5th सीजन वी आर डूइंग होप सक्सेसफुली हम कर ही रहे और ये सक्सेसफुल होगा और ऐसे हम बहुत शोज आप लोग के साथ आप लोगों के सहयोग से सर जैसे लोग हमारे साथ रहेंगे हम इससे बेटर और बड़ा और आगे बढ़ के अच्छे शोज करते रहेंगे बहुत गेस्ट है देर आर गेस्ट लिस्ट इज 80 to 100 सेलिब्रिटीज फ्रॉम टेलीविजन बॉलीवुड OTT बहुत सारे लोग हैं इन्फ्लुएंसर्स भी अलग बहुत सारे हैं इट्स अ ग्रैंड अभी तो आई थिंक हमारे खाली गेस्ट लिस्ट में आई 25-30% लोग आए अभी तो 75% आना बाकी है इट्स गोना बी ग्रैंड सर आप लोग साथ में रहोगे और आप जैसे लोग हमारे को सहयोग करोगे तो हम इससे बड़े बड़े और इससे बेहतर और आगे अच्छे शोज करेंगे सही एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तैयारी चल रही है और 24th को निकाह है 25th को वलीमा इंशाल्लाह अब कार्ड बढ़ चुके हैं बहुत लेट हो चुका है पहले मिलता तो बोलते था मेरा तो हाँ बेस्ट विशेष तो हमेशा है मेरा छोटा भाई है दुआ मुबारकबाद हमेशा रहेगी एंड अच्छा लगता है कि ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह हमारा नाम रोशन कर रहे हैं इनकी वजह से आजकल हमको काम मिल रहा है हम सीख रहे हैं इनसे कैसे सोशल मीडिया पे होना है बट सोशल मीडिया पे हम जूनियर है बेटा आप लोग बहुत सीनियर हो भारी तो बहुत था हर तरीके से भारी पड़ा था पर अभी भी फाइनल नहीं हुआ अभी कल वापस शॉपिंग पे जाने गए अगर जाएगा तो सपोर्ट करेंगे हमेशा खड़े रहेंगे फैसल के लिए साथ में और उम्मीद करते हैं चाहते हैं हम लोग भी देखना उसको पर मुझे नहीं लगता वो जा रहे तुमको बहुत बढ़िया आयशा है और चेहरा रिवील नहीं करूँगा मैं और कुछ चीज़ें प्राइवेसी में ही बेहतर है तो मैं मेरी लव लाइफ सोशल लाइफ अलग है प्राइवेट लाइफ अलग है एग्जैक्टली फाइनली अवार्ड के बारे में बात करते हैं अवार्ड इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक और जज्बा पैदा होता है काम करने का अप्रिशिएट करते हैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मेरा शायद आई थिंक 3rd ईयर है IIA अवार्ड में तो आया हूँ मैं जस्ट अभी एंटर किया हूँ और जा रहा हूँ अंदर थैंक यू चल थैंक यू एक आर्टिस्ट के लिए अप्रिसिएशन की तरह है क्योंकि हमको भी लाइफ में मोटिवेशन चाहिए होता है हमको भी लाइफ में चीज़ें चाहिए जो हमको इंस्पायर करें तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर द आर्टिस्ट जो लोग मेहनत कर रहे हैं जनरली एस बी यू एस से घूम रहे किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ यार अभी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं और एक बहुत ही बड़ा वीडियो अभी रिसेंटली हम लोगों ने प्लान किया है जिसमें हम लोगों ने 40 लोगों को साथ में लिया है और ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जो लास्ट वीडियो को सब लोगों ने प्यार दिया था ये वीडियो उस वीडियो से ज़्यादा बॉम्ब होने वाला है फर्स्ट यार बोहिमिया पाजी बहुत बड़े आदमी हैं तो उनसे डेट लेने में कॉल करने में टाइम लगता है बट डेफिनेटली जब आएगा बहुत प्रॉमिसिंग होगा और जैसे बोहिमिया पाजी ने लेजेंडरी चीज़ें करी हैं लाइफ में वैसे ही मुझे भी करने तो थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों में थैंक यू मुझे मिलता है
मुझे मिल रहा है मेरे लास्ट शो के लिए फॉर द नेगेटिव रोल दैट आई डिड द मेन लीड सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट नेगेटिव लीड सो माय लास्ट शो मिलके भी हम ना मिले आई वाज द लीड ऑफ द नेगेटिव लीड ऑफ द शो सो आई हैव बीन या दंगल चैनल थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत नई है मज़ा भी आ रहा है हाँ मेरा नाम सुधीर यदुवंशी है मैं इंडियन प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हूँ और रिसेंटली दो बड़े हिट मेरे गाने आए हैं एक तो शंभू है जो अक्षय कुमार सर के साथ में है दूसरा सभी ने मूवी देखी होगी किल मूवी देखी होगी किल किल का जो एक गाना है कावा कावा वो भी मेरा गाना है बिल्कुल आप सभी के लिए पेशे खिदमत काली काली रत्ता कीवे गट्टा मेरे यारा कीवे गट्टा मेरे यारा कीवे गट्टा मेरे यारा तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा लड़ जाना जग सारा लड़ जाना तेरे लिए हर सितम नू हर जुलम सीने ते ले जावा सुन कावा कावा वे सुन कावा वे कितो लब के ले आ मेरा यारा कावा वे सुन कावा वे कितो लब के ले आ मेरा यारा अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज यू नो इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टर्स एवरी वन इज़ ऑन द सेम यू नो फ्लोर एंड एवरी वन इज़ हियर और आई थिंक इट्स इट्स अमेजिंग एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू बी हियर वो जाके मैं अभी देखती हूँ बिकॉज आई एम हियर एंड आई एम एक्साइटेड टू बी हियर अब जो अवार्ड मिलेगा मैं आपको बताऊँगी आपके संभालों से आप ही हाँ क्या थैंक यू सो मच वेल ये मेरी स्टाइलिस्ट है निधि खुर्दा एंड शी इज़ गिविंग मी दिस मुझे आज थोड़ा अलग लगना था यूजुअली आप मुझे ब्लैक में देखते हो बट टुडे आई थॉट क्यों ना एक नया कलर और नया हेयर स्टाइल चुनूँ बिकॉज जैसे हमेशा दिखती हूँ उससे थोड़ा अलग दिखना चाहिए आई शुड ऑलवेज ट्राई न्यू स्टाइल एंड दैट्स व्हाट आई डिड टुडे और जैसे ही पिटारा बॉक्स लेकर जाएगा आपको ज़रूर बताऊँगी मैं थैंक यू वेरी मच इधर आने के लिए आई फेल्ट वेरी गुड थैंक यू टू कुणाल सर आई अवार्ड सो इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली कल की 2898 आई प्रभास सर की उसमें आई हैव डन यंगर भैरवा एंड एक अपकमिंग प्रोजेक्ट और भी है देख सकते हैं राहुल जतिन राहुल विद अ डबल ए और ज़रूर देखिएगा बहुत खूबसूरत गाना है अवार्ड शो है यार किसको अच्छा नहीं लगता है अवार्ड शो में मैं बेस्ट सिंगर में जी आया है मौसम बारिश का भीगे बिना ना जाना बस मैं हूँ और तुम हो मौसम है ये मस्ताना थैंक यू यार दे रहे हैं तो हम अवार्ड लेने आए हैं अवार्ड लेंगे थैंक यू कहेंगे आप लोगों को थैंक यू कहेंगे और चले जाएंगे नहीं अवार्ड इम्पोर्टेंट होते हैं यू नो एक तरीके से हमें पता चलता है कि जो काम हमने किया वो ऑडियंस को अच्छा लगा सो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है एक प्यार का रिमाइंडर है ऑडियंस और हमारे बीच जो रिश्ता है उसका सोचना है ये सब किसी चीज़ की तैयारी में है आपको जल्दी देखना मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिली है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ एकता कपूर जी का जिन्होंने मुझको अपनी वेब सीरीज़ पौरुषपुर 3 में डबल रोल करने का अवसर प्रदान किया तो इस डबल धमाल के लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जी ऑल्ट की टीम ने मुझको ये बताया कि पौरुषपुर 3
ये दो ऐतिहासिक वेब सीरीज रही हैं और आज तक इनका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैम, बिग बॉस करने का इरादा अगर एट द मॉल से आता तो आप करना पसंद करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर लोग जाते नहीं है। अगर सलमान खान जी बुलाएंगे तो जरूर जाना चाहूँगी। थैंक यू। अच्छा काम कराने के लिए उनसे ये उनको एक पुश देते, तो ऐसे अवार्ड फंक्शन होते हैं और होने भी चाहिए, और ये एक कलाकारों के लिए अच्छी चीज़ होती है। सर, आप काफ़ी सारे अवार्ड मिले, काफ़ी सारे शो किए, सर अभी क्या चल रहा है, बेटर आने वाला? अभी मैं गुमे किसी के प्यार में कर रहा हूँ स्टार प्लस पे, और काफ़ी हिट शो है, काफ़ी लोग उसको प्रशंसा करते हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो अगेन वही बात, अवार्ड आपको एक अच्छा काम करने के लिए हौसला देता है, कॉन्फिडेंस देता है, तो लेकर जाएंगे उस कॉन्फिडेंस को साथ में और अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा इनिशिएटिव है यार, इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ मैं, लेकिन एक्टर हूँ, एक्टिंग से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। मेरे लाइफ में शायद एक टाइम था जब मैं देखता था कि अवार्ड्स क्या है, अवार्ड्स होनी मुझे मिलने चाहिए, लेकिन अब मैं नॉमिनेशन के साथ भी खुश हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और मेरे कैटेगरी में तो बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। हाँ, पिछले 3 महीने से दाढ़ी बढ़ रही है, हमारे एक फिल्म करने जा रहा हूँ, वो अनाउंस करेंगे बहुत शॉर्टली, एक्सेल के साथ है। इंशाल्लाह 4 तारीख को लद्दाख जा रहे हैं तो शूटिंग के लिए, इसलिए बढ़ाई है। खुद की दाढ़ियाँ बढ़ते रहती है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। On Discovery Plus OTT, it's an adventure show, तो आप मुझे मौत के घाट उतरते हुए देखेंगे। कैरेक्टर नहीं, एडवेंचर शो है भाई, स्टंट करा रहे हमसे ऑन डिस्कवरी प्लस, तो आप मुझे लिटरली मौत के घाट उतरते हुए देखेंगे। देखना ज़रूर। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की हैं मैंने, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाई, बट मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, आप सब देखना ज़रूर। अवार्ड शो के बारे में, आई एम रियली थ्रिल्ड, आई एम रियली एक्साइटेड, एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर अ वर्सटाइल आइकन, वर्सटाइल एक्ट्रेस, एंड दे हैव रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएटेड मी फॉर द वर्सटैलिटी दैट आई होल्ड व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल प्रोफेशंस, टू द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग एंड एंटरटेनमेंट, एंड आई एम रियली थ्रिल्ड, and thank you for having me. Thank you. Awards for inviting me here and having me here, and that's it. Expect a good show. That's all. Music, independent music artist. I mean, listen. It's not the end all be all. If you get, if you don't get, it doesn't make you good or bad. Me too. I'm missing her too. She's at home relaxing. I know. Triple I Awards का 5th edition है, and I'm very very excited, and देखना है कि अंदर क्या चल रहा है। मैं तो I've just entered, and आपको पता है आजकल influencers का ज़माना है, so देखते हैं, let's see, I'm pretty happy, let's see. हाँ, हम लोगों ने I think 1.5 million cross किया है कुछ घंटों में, and let's see. You know, सोनू कक्कड़ जी ने गाया है, दीप जी है, मैं हूँ, प्रतीक है, सो इट्स डूइंग प्रीटी वेल, एंड थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, यू गाइज वर ऑल देयर यस्टरडे फॉर द इवेंट, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड, लेट्स सी, आई होप 10-15 million तो जाए। विशाल जी की नेक्स्ट फिल्म ख़त्म करी है, किसका मैम की एक और फिल्म ख़त्म करी है, एक नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट आने वाला है, सो ये 3-4 चीज़ें, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई गॉट दिस मोस्ट स्टाइलिस्ट आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड,
आने वाला अभी आई एम गोइंग फॉर शूटिंग, मतलब अभी एक शॉर्ट फिल्म हमने जस्ट की है राजकुमार यादव की और मैंने, जो कैन फिल्म फेस्टिवल में गई थी इस बार।